शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें सबको बताना ही पड़ेगा कि उनके केशव और नेत्र जिंदा है और हम उन्हीं की बेटी है। हेलो अंकल। हाँ बिटिया रानी, हमें आपको कुछ बताना है। बोलो बेटी। वो दोनों वो अस्पताल से फोन आया था। सवर नेत्रा का मृत शरीर आ गया है ना, रिश्तेदारों को भी खबर करनी होगी ना। नहीं उसकी जरूरत नहीं। वो अस्पताल से फोन आया था, कि उन्होंने हमारे घर गलती से फोन किया था। केशव और नेत्रा ने आत्महत्या नहीं की है। अभी अगर उन्होंने गलती से हमारे घर फोन किया था तो आपने इतने यकीन से कैसे कह दिया कि केशव और नेत्रा की मौत हो गई? बोलिए भाभी। क्योंकि उन्होंने कहा कि 25 और 27 साल के पति पत्नी ने आत्महत्या की है। उनको लगा कि केशव और नेत्रा ने। अच्छा, उन्होंने इतना कहा और तुमने समझ लिया कि केशव और नेत्रा ने आत्महत्या की? नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि जो पत्नी है वो देख नहीं सकती, वो अंधी है, तो हमको लगा। तुमको लगा? तुम्हारे लगने की वजह से हमारे घर में मातम मचा हुआ है। हमारी अम्मा दे ताजने की बात कर रही है, कैसा भी इस घर का खून है, तुम्हें नहीं पता है? है कि नहीं है? तो तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। अरे गलती नहीं है, ये गुनाह है, पाप है। कम से कम हमें तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अगर हमारी माँ को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया है। हम तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे। बनो छोड़ो बनो। क्यों इतना जिंदा है? आज भगवान ने साबित कर दिया, माँ माँ होती है, माँ का दिल सब जानता है। अम्मा केशव और नेत्रा जिंदा है, उनको कुछ नहीं हुआ। अम्मा वो जहां भी है बिल्कुल ठीक है। सही कह रही थी माँ। हमें पता था, हमारा दिल कह रहा था कि उनको कुछ नहीं होगा, वो जिंदा है, हमारे केशव और नेत्रा जिंदा है। माँ बिल्कुल, माँ बिल्कुल, आपका दिल तुम सही कह रहा था। अम्मा एकदम सच,
भले ही वो हमारे साथ नहीं रहते, भले ही हमारे रिश्ते टूट गए, लेकिन इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि कैसा इस घर का खून है। और आज हमें यकीन हो गया माँ, आज हमें यकीन हो गया कि खून कभी सफेद नहीं पड़ सकता ना। माँ हमको माफ कर दो, माँ तुम पे भरोसा नहीं किया। अम्मा अम्मा तुम बिल्कुल ठीक है बाबा, जैसे हम दोनों बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को यहाँ क्या होगा? बाबा आपने कहा था ना कि आपके पास किसी का फोन आया था। बेटा वो किसी बंटी ने फोन किया था। इसका मतलब बंटी की वजह से माँ बाबा ने हमें वापस फोन किया और उसकी वजह हमने चंद्र आंटी को कुछ नहीं बताया, वरना अगर चंद्र आंटी को पता चल जाता तो वो हमारे माँ बाबा को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती थी। तो आज बंटी की वजह से हम अपने माँ बाबा की जान बचा पाए। श्रवणी बेटा कहाँ खो गई? श्रवणी अपना ध्यान तो रख रही हो ना बेटा? हाँ हाँ, और आप दोनों आराम कीजिए। पापा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे, हमेशा खुश रहो। अच्छा बेटा अभी हम फोन रखते हैं, फिर तुम्हें फोन करेंगे। हाँ मैडम जी, दीदी पता है श्रवणी को हमारा जन्मदिन याद था, फोन पे हमें अपने जन्मदिन की बधाइयां दे रही थी। अच्छा भगवान करे कि वो वहां पे ठीक हो। अरे दीदी किसका पिंडदान कर दी भाई? सब बाबू और नेत्रा भाऊजी का। वीरेन अंकल तो हमारे माँ बाबा से मिले हैं। ये सब गलत फहमी हुए हैं, वो दोनों जिंदा हैं। अच्छा तो ये सब प्रपंच है, इसलिए हमारी बहना हमको दूठो लाश का व्यवस्था करने के लिए बोली थी। इन्होंने ये तस्वीर देख ली तो उन्होंने हमारे माँ बाबा को देखा है, पर शायद उन्हें ये नहीं पता कि हमारे माँ बाबा ही केशव और नेत्रा है। अगर उन्होंने ये तस्वीर देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर वो चंद्रा आंटी को भी बता देंगे। नहीं हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ऐसे 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 फोटो फिक्स करोगे, ऐसे डलेगा उसके अंदर। तुम लोग भी भगवान कसम अब छोड़ो उसको। रुकिए 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 रुकिए, हमें दीजिए ये लीजिए।
आप जाइए, आपको चंद्रा आंटी बुला रही है। हमको बुला रही? तुमको कहा बुलाने को? हाँ हाँ यार, अब किस लिए बुला लिए? भगवान कसम बहना हमारी ना। रुको, आ गए तुम? अरे बहना कैसे आ गए, ये हमसे पूछो, हम ही जानते हैं। आज तो मरते आज मरते तुम्हारी वजह से भानु हमसे इतना गुस्सा कभी नहीं हुए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम क्या करते बहना, आज तो अलग ही दुर्दशा हो गया हमारे साथ। एक औरत हमारे पीछे पड़ गई थी, अब कैसे जान बचा के हम यहाँ तक पहुँचे हम ही जानते, हमारी आत्मा जानती है। हे भगवान, ये लड़की हमारी बातें सुन रही है, चाचा के बंटी का कमरा साफ कर। ठीक है। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।